हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप पांडे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टी ग्रेड फिल्टर क्या होता है। फ्रेंड्स, मल्टी ग्रेड फिल्टर में कौन कौन सी मीडिया फिल होती है एंड फ्रेंड्स, मल्टी ग्रेड फिल्टर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, उन सारी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका देख लेते हैं मल्टीग्रेड फिल्टर का अपना बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। डेट मीन्स फ्रेंड्स, इसमें कौन कौन से जो मीडिया लेयर हमने ऑलरेडी फिगर एक बना दिया है, तो उसके हिसाब से हम लोग पहले इसका चेक कर लेते हैं, उस देन हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल को देखेंगे। ये दोनों इसके सपोर्टिंग लेग्स होते हैं जिसके ऊपर अपना सैंड फिल्टर या अपना मल्टीग्रेड फिल्टर है वो स्टे करता है, जिसके ऊपर खड़ा रहता है वो अपना सपोर्टिंग। फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं, इसमें नोजल प्लेट है, ये आपकी रेड कलर की जो दिख रही है फ्रेंड्स, ये अपनी नोजल प्लेट होती है। नोजल प्लेट मीन्स दैट मीन्स ये ऐसे प्लेट नॉर्मली रहेगी, साइड में आपको दिख रहा होगा, तो उसमें ही पूरे नोजल ऐसे अपने टाइट रहते हैं। ये अपना नोजल हो गया, ये इसमें प्लेट में ही टाइट रहता है। सो फ्रेंड्स, उसके ऊपर आ जाता है अपना पेबल्स। पेबल्स बेसिकली फ्रेंड्स क्या होता है, एक पत्थर होता है, उसको एक स्पेसिफिक साइज में हम लोग इसमें पुट करते हैं। वो साइज़ फ्रेंड्स होती है नॉर्मली 1.5 इंचेस टू 2 इंचेस की होती है फ्रेंड्स। ये डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन पर, जो भी आपका मैन्युफैक्चरर होगा वो जो डिज़ाइन में दिया होगा उसके हिसाब से ही रहता है, नॉर्मली इतना ही रहता है 1.5 टू 2 इंचेस। देन फेमस फ्रेंड्स आ जाता है इसके बाद पेबल्स, ये बड़े साइज के हो गए, उसके ऊपर भी एक पेबल्स की लेयर हम लोग लगाते हैं, वो इससे थोड़ा छोटी साइज की होगी फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगी 1 इंचेस टू 1.5 इंचेस की। इसके ऊपर फ्रेंड्स, ये पेबल्स के ऊपर बड़े पेबल्स, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, ऐसे ये एक लेयर बनाई जाती है। सो फ्रेंड्स, इसके ऊपर ये ग्रेवल्स डाल दिया जाता है पेबल्स के ऊपर। इसकी साइज फ्रेंड्स होती है 0.5 इंचेस की। सो फ्रेंड्स, ये 0.5 टू 1 इंचेस आप ले सकते हो। सो ये तीनों लेयर जो फ्रेंड्स आ गई, ये तीनों लेयर यहाँ से ये तीनों लेयर फ्रेंड्स होती है सपोर्टिंग बेड। फ्रेंड्स, इसको सपोर्टिंग बेड इसलिए बोलते हैं फ्रेंड्स, नॉर्मली जो अपनी मीडिया है इसके ऊपर अब मीडिया स्टार्ट होगा, मीडिया जो है वो अपना इसी बेड पर टिका हुआ है, इसी बेड पर होल्ड है, इसके लिए इसको हम लोग सपोर्टिंग बेड बोलते हैं। ये कॉमनली अपना जो भी फिल्टर होगा, स्पेशली जो सैंड फिल्टर हो गया, कार्बन फिल्टर हो गया, प्रेशर सैंड फिल्टर हो गया, डुअल मीडिया फिल्टर हो गया, इन सब में ये इतनी कॉमन चीज़ है, सपोर्टिंग बेड तीनों में कॉमन रहेगी, सब में सपोर्टिंग बेड कॉमन रहेगा, मीडिया बेड में चेंज होता है। सो फ्रेंड्स, अब इसके देख लेते हैं पेबल्स की जो हाइट रखेंगे फ्रेंड्स, 150 mm के अप्रॉक्सीमेट, या एज पर डिज़ाइन जैसा जो आपका मैन्युफैक्चरर डिज़ाइन किया होगा उसके हिसाब से हम लोग हाइट इसकी रख लेंगे। देन फ्रेंड्स, ऊपर जो सेकेंड लेयर आती है पेबल्स की, उसको हम लोग 100 mm रखेंगे फ्रेंड्स। अभी एक कॉमन एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे कि ये प्रॉपरली समझ में आ जाए उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल के बेस पर देखा है, बाकी आपकी डिज़ाइन डेटा के हिसाब से ही रहेगा। देन फ्रेंड्स, अपना ग्रेवल्स आ जाएगा, ग्रेवल्स अपना 100 mm का ये भी हो जाएगा फ्रेंड्स, इसकी भी हाइट हम लोग 100 mm ही रखेंगे। सो ये अपना सपोर्टिंग बेड का काम हो गया। सपोर्टिंग बेड के बाद हम लोग आ जाते हैं कोर्स लेग्स मीडिया पर। कोर्स लेग्स मीडिया फ्रेंड्स क्या होती है, जो अपना हम लोग देखते हैं जैसे मोरंग हो गया, जो बिल्डिंग मटेरियल में आता है मोरंग हो गया, उसमें छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं वे उसकी एक स्पेसिफिक साइज में ही रखते हैं, मतलब एक स्पेशल साइज में, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाकर डाल दो। सो ये इसकी साइज फ्रेंड्स क्या होती है कोर्स लेग्स की, ये होती है फ्रेंड्स 6 mm टू 8 mm की, ये हो गई फ्रेंड्स कोर्स लेग्स मीडिया। देन फ्रेंड्स, कोर्स सिलेक्स मीडिया के बाद अपना आ जाता है फ्रेंड्स फाइन सिलेक्स मीडिया, मीन्स वही रहेगा, मतलब पत्थर ही रहेगा फ्रेंड्स, बट उसकी साइज थोड़ा फाइन हो जाएगी, मतलब छोटी साइज में हो जाएगा, उसको हम तोड़ देंगे, तोड़ कर लगा देंगे, ऐसा भी आप समझ सकते हो। सो ये आ जाएगा अपना फाइन सिलेक्स मीडिया फ्रेंड्स। फाइन सिलेक्स मीडिया की साइज जो होती है फ्रेंड्स वो 4 mm टू 6 mm की होती है, जितने भी हैं अपने पैरामीटर्स ये सब एज पर डिज़ाइन रहेंगे, बट अभी के लिए हम लोग देख लेते हैं। कॉमनली ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे ही हमने उठाकर नोट डाउन कर दिए, ये है मतलब एक कमीशनिंग डेटा के हिसाब से ये जो भी हमने यहाँ पर पैरामीटर डाला है, बट आपके यहाँ जो रहेगा आप उसके हिसाब से देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, फाइन सिलेक्स मीडिया के बाद अपना आ गया सिल्का सैंड। फ्रेंड्स, ये सिल्का सैंड बेसिक ये अपना मल्टीग्रेड फिल्टर में बेसिक जो इम्पोर्टेंस रोल रहता है वो सिल्का सैंड का ही रहता है। स्पेसिफिक साइज होती है फ्रेंड्स वो क्या होती है 0.5 mm टू 2 mm, ये इसकी साइज हो गई।
फ्रेंड्स ये अपना कोर सिलेक्स, फाइन सिलेक्स और सिल्क असेंट, ये तीनों फ्रेंड्स क्या हो गए, ये तीनों अपना आ जाएंगे मीडिया बेड में, ये अपना सपोर्टिंग बेड, ये अपना मीडिया बेड फ्रेंड्स। देन हम लोग आ जाते हैं ऊपर, ये अपना हेडर है इनलेट का, जो रॉ वाटर अपना यहाँ से निकलेगा आएगा फ्रेंड्स, वो आ गया अपना। और इसमें भी नोजल लगे हुए हैं, नोजल फ्रेंड्स इस वजह से लगे होते हैं कि एक जगह पर पानी ना गिरे, मतलब ऐसे स्प्रे करके गिरे पानी, ऐसा एक जगह पर गिरेगा फ्रेंड्स तो डायरेक्टली नीचे चला जाएगा, और स्प्रेड होकर गिरेगा तो नॉर्मली अपना फिल्टर, फिल्ट्रेशन के लिए उसको रिटेंशन टाइम मिल जाएगा तो प्रॉपर अपना फिल्टर हो जाएगा। देन फ्रेंड्स ये अपना ये पॉइंट देख रहे हो, ये दोनों हैंगर होते हैं फ्रेंड्स, कभी भी अपने को कोई मेंटेनेंस करना हुआ या फिल्टर को कहीं शिफ्ट करना हुआ तो इसको हम लोग क्रेन की हेल्प से यहाँ पर हुक लगाकर सीधे शिफ्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये अपना टॉप मैनहोल और ये अपना बॉटम मैनहोल, ये दोनों फ्रेंड्स बेसिकली काम आते हैं कि जब कभी भी हमें सैंड फिल्टर का अपने या मेंटेनेंस करना हो गया, कोई प्रॉब्लम आई, या मान लो सपोज डेट अभी नोजल अपनी टूट गई बॉटम की तो वहाँ से मीडिया निकलना शुरू हो गई, तो उस टाइम पर हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स कि इसको मेंटेनेंस के लिए स्पेशली मीडिया को बाहर निकालना हुआ या और कुछ जाकर चेक करना हुआ, उन सब के लिए यहाँ पर दो मैन होल दिए जाते हैं। इनकी साइज भी फ्रेंड्स सफिशियंट होती है कि आदमी आराम से इसके अंदर जा सकता है और ऑब्जर्वेशन कर सकता है। सो फ्रेंड्स अभी हमने पूरा यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन तो देख लिया कि मतलब कैसी मीडिया होती है, मीडिया बेड और अपना सपोर्टिंग बेड क्या होता है, हेड एयर नोजल, ये सब को हमने देख लिया स्ट्रक्चर को। अब हम लोग देख लेते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल फ्रेंड्स। वर्किंग प्रिंसिपल से पहले हमें ये जानना जरूरी है फ्रेंड्स कि ये कौन कौन सी टाइप की इम्प्योरिटीज को यहाँ से रिमूव करेगा और अपना वेस्ट वाटर से। सो फ्रेंड्स बेसिकली अपना मल्टीग्रेड फिल्टर हो गया, प्रेशर सैंड फिल्टर हो गया, ये वर्क में आते हैं फ्रेंड्स। जो अपना टर्बिडिटी होता है या वाटर में जो फ्लोटिंग पार्टिकल हो गया या सस्पेंडेड पार्टिकल हो गया उनको यहाँ से ये ट्रैप करते हैं, मीन्स उसको यहाँ पर ये रिमूव करते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम लोग आ जाते हैं वर्किंग प्रिंसिपल पर फ्रेंड्स। यहाँ से अपना वेस्ट वाटर इनलेट हुआ पंप के थ्रू, वो इनलेट हुआ फ्रेंड्स, वो ऐसे वाटर अपना आ गया यहाँ पर फ्रेंड्स। ये यहाँ पर क्या होगा, अभी वाटर अपना आ गया यहाँ तो यहाँ पर हमने नोजल लगा रखे हैं, नोजल या फनल भी बोल सकते हो, कहीं कहीं पर वो फनल भी यूज होता है। सो फ्रेंड्स ऐसे ये वाटर स्प्रेड होना चालू होंगे, दोनों साइड में स्प्रेड होंगे। सो ये अपना स्प्रेड होकर मीडिया बेड पर आ गए। सो फ्रेंड्स मीडिया बेड में जैसे ही आए तो ऊपर से ये मीडिया बेड में पहले अपना सिल्का सैंड में, सिल्का सैंड पर आया, सिल्का सैंड से ये फिल्टर हुआ, देन आया फाइन सिलेक्स पर, देन आया कोर सिलेक्स पर, उसके बाद में अपना पेबल्स ग्रेवल्स के थ्रू यहाँ से ये नोजल के थ्रू अपना आउटलेट निकल गया। सो फ्रेंड्स अगर हम इसको मान लीजिए कि ये अपना नोजल या फनल जो भी लगा हो वो उसको अगर हम रिवर्स कर दें, ये भी आपके माइंड में आ ही रहा होगा फ्रेंड्स कि इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, मतलब इसका जो अभी जो फेस ऊपर साइड में है उसको हम लोग डाउन साइड में यहाँ पर कर दें। सो फ्रेंड्स इस तब क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ से इसको निकालें, मतलब इसका नोजल का हेडर नीचे कर दें यहाँ से निकले फ्रेंड्स, फिर क्या होगा कि ये डायरेक्टली ऐसे मीडिया बेड पर लोड डालेंगे और सीधे ये निकल आएंगे, मतलब वाटर को कम्प्लीटली स्प्रेड नहीं होगा, मीन्स वाटर को पूरा प्रॉपर रिटेंशन टाइम नहीं मिलेगा कि ये प्रॉपर फिल्ट्रेशन हो पाए। सो फ्रेंड्स यहाँ पर फिल्ट्रेशन नहीं होगा, उसकी वजह से हमेशा जब भी कोई भी सैंड फिल्टर आप ओपन कीजिए उसमें आपको जो उसके फनल होगा या अपना नोजल होगा वो ऊपर साइड में रहेगा, ऊपर साइड में रहेगा फ्रेंड्स, तो ये ऐसे ऐसे इस पर लोड डालकर फिर ये नीचे आते हैं, मतलब डायरेक्टली नीचे नहीं आएंगे, वो पहले ऐसे घूम घूम कर पानी स्प्रेड होकर फिर नीचे आएगा। सो फ्रेंड्स ये तो अपनी सर्विस साइकिल हो गई कि ऊपर से पानी आया, स्प्रेड हुआ, स्प्रेड होकर मीडिया पर आया, मीडिया पर लोड डाला, लोड डालने के बाद सिल्का सैंड से होते हुए सीधे नीचे फिल्टर होकर अपना बाहर हो गया। देन फ्रेंड्स इसका बैकवर्ड साइकिल क्या होती है फ्रेंड्स, इसके रिवर्स जस्ट उल्टा किया जाता है फ्रेंड्स, जो अपना फिल्टर वाटर लाइन है वहां से अपन फीड करेंगे, देन इसके रिवर्स होकर आएंगे, मतलब यहाँ से अपना आउटलेट हो जाएगा और यहाँ से अपना फीड हो जाएगा, ये इसका बैकवर्ड प्रोसीजर रहेगा। देन रिंस आ जाएगी, रिंस भी मारेंगे उसके बाद में फिर से, उसको क्यों मारा जाता है फ्रेंड्स जो बैकवर्ड होता है कि ये क्या अपना रॉ वाटर प्रॉपर वेस्ट वाटर आ रहा, देन ये अपने सिल्का सैंड के ऊपर एक लेयर बन जाती है, लेयर बन गई इम्प्योरिटीज़ की, जो फ्लोटिंग पार्टिकल हो गए या सस्पेंडेड पार्टिकल हो गए
या टर्बिड पार्टिकल जो भी हो गए, वो सब की एक ऊपर लेयर बन जाएगी। अब जैसे ही वो लेयर बन गई तो वो फिल्ट्रेशन प्रॉपर होने नहीं देगा कि जब तक उसको हम बैकवास मारकर लेयर को बाहर नहीं करेंगे, ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक वो प्रॉपर फिल्ट्रेशन को होने नहीं देगा। इसकी वजह से हमें बैकवास की रिक्वायरमेंट रहती है, वो एज पर शेड्यूल रहता। देन फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मिस हो रही है फ्रेंड्स, ये रहता अपना, यहाँ से एक एयर का प्रोविजन दिया रहता है फ्रेंड्स, एयर निकालते हैं हम लोग। सो फ्रेंड्स, एयर फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग एयर रिलीज करते हैं, बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स क्या होता है कि बैकवास के टाइम पर हो गया कि अभी हमने बैकवास, मान लीजिए हमने बैकवास लिया, रिवर्स में मारे, फिर रिंस मारा, फिर यहाँ पर फिल्टर खाली हो गया। मीन्स फ्रेंड्स क्या होगा, जब इसका लेवल डाउन हो गया, चूंकि ये क्लोज बेसल है, क्लोज बेसल होने की वजह से फ्रेंड्स क्या होगा कि चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो सकता है। अगर ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पानी को फिर प्रॉपर फिल्ट्रेशन होने नहीं देगा। मीन्स यहाँ पर फ्लो आपका कम आ जाएगा या प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके सैंड फिल्टर में आ सकती है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एयर वेंट का प्रोविज़न रखते हैं, हर एक सैंड फिल्टर में आपको देखने को मिल जाएगा एयर वेंट का प्रोविज़न। सो उसके बेस पर हम लोग हर एक बैकवास के बाद एक बार एयर रिलीज कर देंगे, तो अपना फिल्टर प्रॉपर एकदम मस्त क्लीनिंग करता रहेगा। सो फ्रेंड्स, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे अभी चलते चलते कुछ अभी टर्बिडिटी अपना प्रॉपर नहीं आ रहा है, सो इनलेट आउटलेट का नॉर्मल नहीं आ रहा है, हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स? उसके लिए फ्रेंड्स एक फार्मूला होता है। सो फ्रेंड्स, वो होता है इनिशियल टर्बिडिटी माइनस फाइनल टर्बिडिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल टर्बिडिटी मल्टीप्लाई बाई 100। इसे इसकी एफिशिएंसी भी आप इसको बोल सकते हैं, मतलब फिल्टर की, अपना सैंड फिल्टर हो गया, प्रेशर सैंड फिल्टर हो गया, नॉर्मल मल्टीग्रेड फिल्टर हो गया, इन सब की इसको एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इनिशियल टर्बिडिटी हम लोग कुछ मतलब एक कंसीडर कर लेते हैं एग्जांपल के लिए कि 25 NTU का हम इनिशियल, मतलब जो वाटर फीड करा रहे हैं उसकी टर्बिडिटी हमारी 25 NTU है, तो हमने यहाँ पर 25 डाल दिया। फाइनल टर्बिडिटी हमारा 2 या 3 पकड़ लेते हैं, मान लो 2 पकड़ लिया, 2 हो गया डिवाइडेड बाय इनिशियल 25 हो गया। फिर ये फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो आ जाएगा 23/25 मल्टीप्लाई बाई 100। सो फ्रेंड्स, ये आ गया अपना 92% के अप्रॉक्सीमेट फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने के बाद आ गया। सो फ्रेंड्स, ये अपने मल्टीग्रेड फिल्टर जो अपना NGF है, अभी जो करंट में इस एग्जांपल के हिसाब से 92% एफिशिएंसी इसकी है। सो फ्रेंड्स, अगर ये 85 से नीचे आ गई तो उस टाइम पर हम लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि अपना टर्बिडिटी डाउन नहीं हो रही है, मतलब फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। सो उस टाइम पर हम लोग ट्रबल शूटिंग करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअल में इसमें सैंड फिल्टर में हमारे प्रॉब्लम क्या है। सो फ्रेंड्स, ट्रबल शूटिंग के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, आज का सेशन इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।